नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे। देखिए, हमने जो पिछले वीडियो में राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोतों की बात की थी, और उन स्रोतों में हमने देखा था कि अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में अभिलेख या प्रशस्तियां जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोतों में मानी जाती है। अभिलेख और जो प्रशस्तियां हैं, इनमें मैंने आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो बताया था कि मूलभूत इनमें जो है वो क्या भेद है। भेद यह है कि किसी राजवंश के बारे में कहीं जो है वो किसी राजा के द्वारा उल्लेखित शिला पर, स्तंभ पर या गुफा की दीवार में कोई लेख या कोई जानकारी हमें मिलती है उसे अभिलेख कहते हैं। और उसी अभिलेख का दूसरा रूप प्रशस्ति है जिसके अंदर किसी एक राजा की यशो गाथा या उसका जीवन परिचय या चरित्र या उससे संबंधित बातें लिखी होती हैं। तो राजस्थान के अंदर अभिलेख या प्रशस्तियां जो है वह अनेक स्थानों पर हमें मिली हैं, और उसमें कुछ मुख्य जो कि आपके बीए पार्ट टू, क्योंकि हम एमडीएस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो बीए पार्ट टू, या अगर हम अन्य राजस्थान विश्वविद्यालय या पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय की बात करते हैं या बीकानेर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो उसमें बीए पार्ट वन में राजस्थान का इतिहास जो है वो सिलेबस के रूप में दिया है। तो उसमें जो पाठ्यक्रम में दिए हुए पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है उस पुस्तक के अनुसार कुछ प्रशस्तियां या अभिलेख जो है हमें दी है, उनमें से मुख्य मुख्य देखते हैं। अगर हम अभिलेख या प्रशस्ति की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा बिजोलिया का लेख, या बिजोलिया शिलालेख भी से कहते हैं। 1170 ईस्वी में यह अभिलेख यह बिजोलिया गांव में जो कि भीलवाड़ा में अवस्थित है में हमें प्राप्त होता है। यह है पाशुनाथ मंदिर में जो है हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और संस्कृत में यह शिलालेख प्राप्त है, मिला है, यानी कि इस पर जो लेख लिखा हुआ है वह संस्कृत भाषा में है, और इसकी रचना, इसका जो रचयिता है वह है गुणभद्र। देखिए विद्यार्थियों, जो बिजोलिया शिलालेख है ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभिलेख पर अजमेर के चौहान जो शासक हुए हैं उन चौहान वंशी शासकों की जानकारियां मिलती है। इसमें हम यह देखेंगे कि चौहान वंशी जो शासक हैं, चौहानों का आदि पुरुष या नाम देते हैं वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में जो है सांभर या अहिचत्रपुर में, अहिचत्रपुर का जो एरिया है आज हम इसे जो है वो नागौर के रूप में भी मानते हैं, कुछ हिस्सा जो जयपुर के लग रहा है ये हिस्सा जो है यहाँ पर चौहान वंश की नींव डाली है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वह सांभर झील का
निर्माण भी करवाया है। तो वासुदेव चौहान जो कि चौहान वंश का आदि पुरुष या संस्थापक है, इसके द्वारा अजमेर जो है, इसके द्वारा जो चौहान वंश की नींव डाली गई है, यह जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है कि यह शिलालेख हमें प्राप्त हो रहा है भीलवाड़ा से, और जानकारी इसमें मिल रही है अजमेर के शासक चौहान वंशी शासकों की। तो जाहिर सी बात है, इतिहासकार यह भी बताते हैं कि पहले जो यह वाला भीलवाड़ा जो वाला एरिया है, यह भी वासुदेव चौहान या चौहान वंशी शासकों के अधीन रहा है। ठीक है, एक विशेष बात जो हमें यहाँ से मिलती है कि चौहान वंशी शासकों को यहाँ पर विप्र इस शब्द का इस्तेमाल, चौहानों के लिए विप्र शब्द का उल्लेख किया गया है। विप्र शब्द का अर्थ है ब्राह्मण। अर्थात इतिहासकार यह बताते हैं कि चौहानों को जो है ब्राह्मणों की संतानें कहा है, या चौहान वंश की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से है, यह जानकारी बिजोलिया शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, प्राचीन ऐसे क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी मिल रहे हैं यहाँ हमें इस अभिलेख पर, जैसे जालोर का नाम जाबालीपुर, जैसे विद्यार्थियों दूसरी प्रशस्ति है नेमिनाथ प्रशस्ति, जो कि आबू में देलवाड़ा गांव में जो है नेमिनाथ मंदिर में उत्कीर्णित की गई है। इसकी जो रचयिता है वह इसमें ऐसा बताते हैं कि परमार शासकों की जानकारी वर्णित है। परमार जो है वह मालवा, आबू, गुजरात की ओर शासन करने वाले राजपूत शासक रहे हैं। परमारों में जो राजा है, उन राजाओं की जानकारी इस प्रशस्ति से हमें मिलती है। इसके रचयिता सोमेश्वर को बताया गया है। ठीक है, तो मारवाड़ या मालवा या गुजरात, यहाँ की जानकारी इस प्रशस्ति से हमें मिल रही है। अगर तिथि की बात करते हैं तो 1287 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 1287 ईस्वी के अंदर यह उत्कीर्णित प्रशस्ति है। 1287 का मतलब हुआ लगभग 1230 ईस्वी, क्योंकि इसमें से 57 ईस्वी जो है वो हम घटा देंगे तभी हमें ईस्वी, विक्रमी संवत जो है और उस ईस्वी में डिफरेंस जो है आपको पता है कि 57 से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा अपने राज्याभिषेक के समय जो संवत चलाया गया है वह विक्रमी संवत जो है के नाम से जाना जाता है। अगर तीसरी प्रशस्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे चिरवे का शिलालेख, इसके लिए जो समय है वह मिलता है विक्रमी संवत 1330 ईस्वी। तो अगर मैं विक्रमी संवत लिख रहा हूं तो आप उसमें ईस्वी जो है वह खुद ही निकाल सकते हैं। इसके अंदर 57
घटा लेंगे और उससे भी हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिला जो चीरवा शिलालेख है ये उदयपुर में चीरवा गांव में हमें मिला है। उदयपुर में चीरवा गांव में उदयपुर नाम आते ही हमें जो है ये जानकारी रखनी चाहिए कि उदयपुर राजवंश की जानकारी या मेवाड़ राजवंश की जानकारी इस पर हमें मिलेगी। तो मेवाड़ राजवंश की जानकारी इस पर वर्णित है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो मेवाड़ के अंदर मालवा, गुजरात, मरु और जंगल जो देश है, मारवाड़, जंगल देश, मरु प्रदेश, इन सब की जानकारी इस शिलालेख से हमें मिल रही है। ठीक है, एक इसमें विशेष बात यह है कि रत्न प्रभ सूरी इसके रचयिता बताए जाते हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य वैशिष्ट्य की हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम जो है, चूंकि यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के लिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत से शिलालेख जो है हमें कंपटीशन के मद्देनजर पढ़ने होते हैं, लेकिन हम जो है वो पाठ्य पुस्तक की में वर्णित सामग्री को ही विस्तार में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उसमें जो दी हुई प्रशिष्टियां शिलालेख है उनको ही हम डिटेल में देख रहे हैं। आगे लेते हैं श्रृंगी ऋषि का लेख। श्रृंगी ऋषि का लेख जो है वो विक्रम संवत 1485 जो है उस तिथि का हमें लिखा हुआ प्राप्त होता है। अगर आप ज्यादातर जो है वो विक्रम संवत में परीक्षा में छोटे जो कंपटीशन एग्जाम है, अगर कहीं आपको पूछते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं तो विक्रम संवत में नहीं पूछते हैं, तो आप साथ साथ में इसकी जो है वो तिथि भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, श्रृंगी ऋषि जो है, श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख है ये रणकपुर के चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर लगा हुआ है। रणकपुर के चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर कहाँ पर है इस जगह जो है, यह जगह पाली में पड़ रही है। और आप देखेंगे कि मेवाड़ के शासकों विशेषतः महाराणा कुंभा जो है उसके द्वारा रणकपुर में दिलवाड़ा के मंदिर या जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। तो इसीलिए जो रणकपुर का चौमुखा मंदिर है इसके जो स्तंभ पर लगी हुई ये प्रशस्ति है वे मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देगी। तो मेवाड़ वंश की जानकारी इसमें मिलती है। विशेष बात अगर आप देखेंगे तो यह संस्कृत और नागरी लिपि, संस्कृत भाषा में और नागरी लिपि में वर्णित है। एक शब्द यहां पर आ रहा है नागरी लिपि। विद्यार्थियों, आपको जैसा कि मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई शब्द अगर पढ़ाते समय नया है और विद्यार्थी, मुझे लगता है कि विद्यार्थी इससे परिचित नहीं है, तो मैं जो है उसका वर्णन भी साथ साथ में करता हुआ चलता हूं। इसीलिए आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ब्राह्मी लिपि से ही जो है वह नागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि जो कि आप देखेंगे कि अशोक के अभिलेख, वो भारत में अधिकांशतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगर ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं तो यह लिपि जो है वह लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। इसका मतलब अगर आज
हम हिंदी या संस्कृत को देखते हैं तो यह जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि जो है उसका विकास ब्राह्मी लिपि या नागरी लिपि से ही होना माना जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी इसमें वर्णित है। अगर बप्पा रावल का शासनकाल देखेंगे तो लगभग 734 ईस्वी, और महाराणा कुंभा का देखेंगे तो 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के बीच में महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा है। तो इसी प्रकार इसका मतलब यह है लगभग 8वीं सदी से 15वीं सदी तक की जानकारी जो है वह इस लेख पर हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा महाराणा कुंभा की विजयों और विरुद्धों का इस पर वर्णन है। विरुद्ध शब्द से यहां पर उपाधियां या उपनाम से है। ठीक है, ये शब्द विरुद्ध न होकर विरुद्ध है, तो इस शब्द से आप जो है वो हमेशा परिचित रहे, अनभिज्ञ न रहे। ये विरुद्ध शब्द है जो कि किसी राजा की उपाधि या उपनाम के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। महाराणा कुंभा से की विजयों और विरुद्धों का वर्णन इस पर मिल रहा है। और बप्पा रावल जब आपको मेवाड़ इतिहास की बात करेंगे, पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि बप्पा रावल जो है वो मेवाड़ के राजवंशों में पहला व्यक्ति माना जाता है। बप्पा रावल से ही इस राजवंश की जो है वह विधिवत रूप से शुरुआत मानी जाती है। यूं तो इस राजवंश की स्थापना जो है वो गुहिल या गुहादित्य से मानते हैं, परंतु बप्पा रावल जो है पहले राजा है जो चित्तौड़ को अपने अधीन करके और मेवाड़ राजधानी जो है में चित्तौड़ के किले को जीत कर और उसकी मेवाड़ राजवंश की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम जो है अलग अलग टॉपिक को लेते जाएंगे, उसी उसी प्रकार जो जो जानकारियां मैं आपको दूंगा जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ऐसे टॉपिक जो है वो भी हम वहां पर बार बार में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो है वो हिस्ट्री के अंदर कन्फ्यूजन, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंजिंग यही रहता है कि टॉपिक जो है वो इतने बड़े होते हैं और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं और एक दूसरे से जो है वो संबंध रखती हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार राजस्थान के इतिहास को पढ़ाते समय इंडियन हिस्ट्री के कुछ ऐसे किरदार हैं, कैरेक्टर हैं जो उसके साथ में पढ़ाने होते हैं, और अगर वो नहीं पढ़ाते तो हमें जो है वह विद्यार्थियों के लिए वो हमेशा के लिए कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए साथ साथ में हम जो है वह उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो जहां राजस्थान के इतिहास पढ़ेंगे और साथ में कहीं इंडियन हिस्ट्री के शासकों या इंडियन हिस्ट्री का कोई प्रकरण आता है तो वो भी साथ में उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। मेरे ख्याल से ये 5वीं है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो 1460 ईस्वी की है। सबसे प्रमुख बात कि यह विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई है। विद्यार्थियों ये ध्यान में रखना कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति, इसके लिए बहुत जो विद्यार्थी हैं उनमें बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन यह है कि मैं जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ दुर्ग में यह विजय स्तंभ जो है वो अवस्थित है। विजय स्तंभ ऐसी इमारत है जो कि हिंदू
जो मूर्तिकला है उसका विश्वकोश यह कही जाती है। इसका कारण यह है कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र इस की दीवारों पर यह जो है बनाए गए हैं। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक को पराजित करने के बाद में करवाया। अब विजय स्तंभ जो है वो इसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि मालवा के राजा महमूद खिलजी को परास्त करने के बाद में उसके विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया गया, इसीलिए जो इसका नाम विजय स्तंभ रखा। इसी का दूसरा नाम कीर्ति स्तंभ भी जो है रखा गया है। लेकिन एक ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से एक जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में अलग इमारत भी है। तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ नाम से इस प्रकार दो इमारतें हैं। यह हम जिस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात कर रहे हैं यह विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के बाहर लगी हुई है। और इस जो है इसको इसका जो रचयिता है वह महेश भट्ट है। जब आपको मेवाड़ के राजवंश के बारे में बताएंगे तब इसका जिक्र पुनः करेंगे। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे स्थापत्य कला की तो स्थापत्य कला में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को पुनः पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार आपके 3 बार पढ़ने से यह है जो है रिवाइज हो जाएगा कि इसके अंदर से भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है या इसके अंदर जो है वह ये ऐसी इमारत है जो हिंदू और मुगल शैली दोनों के अंदर इस दोनों का स्थापत्य इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसकी तीसरी मंजिल पर जो है वह अल्लाह लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो है वो हमें जब हम विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ स्थापत्य कला में पढ़ेंगे तब ये सब चीजें हमारे सामने आ जाएंगी कि इसका जो है रचनाकार कौन है और जो भी विविध प्रकार की जानकारियां हैं। हम यहाँ पर केवल प्रशस्ति की बात कर रहे हैं तो इस प्रशस्ति के अंदर हम ये देखते हैं कि मेवाड़ राजवंश की जानकारी इस पर वर्णित है। क्यों? क्योंकि महाराणा कुंभा के काल में यह बनाई गई है। इसको बनाने का श्रेय महाराणा कुंभा को ही दिया जाता है। तो महाराणा कुंभा के बारे में जो जानकारी है, महाराणा कुंभा के विरोधों की जानकारी भी इस पर हमें देखने को मिलती है। अब जब महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा मेवाड़ राजवंश से है और मेवाड़ राजवंश में हमीर खेता मोकल अगर हम बात करेंगे तो इसी में राणा हमीर खेता जिसे क्षत्र सिंह भी कहते हैं मोकल इनकी जानकारी भी इस पर हमें मिलती है। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो महाराणा कुंभा की जो विरुद्ध है विरुद्धों में आप जब महाराणा कुंभा को मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय पढ़ाऊंगा कि महाराणा कुंभा के जो किस प्रकार उसने जो है विविध प्रकार की उपाधियां धारण की है जिनमें नाम मिलेगा आपको अभिनव भरताचार्य दान गुरु हाल गुरु छाप गुरु राणो रासो दान गुरु हाल गुरु छाप गुरु। ठीक है, राणो रासो अभिनव भरताचार्य इस प्रकार की जो जानकारी है वह इस पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनका जो है जिक्र हम जब मेवाड़ के इस चैप्टर को पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश को पढ़ेंगे उस समय करेंगे कि इनका इन उपाधियों को जो इसने धारण किया है इन उपाधियों का मतलब क्या है। कि अगर हम बात करते हैं अभिनव भट्टाचार्य तो संगीत सम्राट के रूप में महाराणा कुंभा को जाना गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखते हैं तो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों का भी इस पर जिक्र किया गया है जिसमें हम देखेंगे चंडी शतक या संगीत सार संगीत रत्नाकर जो है इस प्रकार के जो नाम मिलेंगे संगीत राज। ठीक है, ये सारे जो है
इसकी विस्तृत जानकारी जो है संगीत, राज, संगीत, सार, ठीक है, ये जानकारी, यानी कि जब हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तब ये सब चीज हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अब जो है बात करते हैं कि महाराणा कुंभा के द्वारा एक प्रशस्ति और लिखवाई गई है, यह प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है वो मेरे साथ साथ में इनको पढ़ते हुए चल रहे हैं, लिखते हुए चल रहे हैं, और आपको ये चीजें जो है वह समझ में आ रही हैं अच्छी तरीके से। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, नाम से ही आप देखेंगे कि कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, कुंभलगढ़ में जो है ये पार्श्व में लगी हुई है, ये दुर्ग है, ठीक है, और इसके पार्श्व में लगी हुई है 1460 ईस्वी में जो है यह है महाराणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ का निर्माण जब पूरा हो गया था, तो इस कुंभलगढ़ के निर्माण के जो है उपलक्ष्य में इस पर जानकारी उसने वर्णित करवाई। अब यहां पर एक प्रश्न यह आता है कि कुछ इतिहासकार तो इसका रचयिता जो है वह बताते हैं महेश भट्ट को, और कुछ इसका रचयिता बताते हैं कान्हा व्यास को, ठीक है। दोनों ही नाम जो है आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर महेश भट्ट ऑप्शन देते हैं तो महेश भट्ट को करना है, और अगर आपको रचयिता के ऑप्शन के रूप में कान्हा व्यास को देते हैं तो आपको कान्हा व्यास का नाम देना है। विशेष बात यह है कि कुंभलगढ़ की पार्श्व बाहर या जो है परिसीमा में लगी यह प्रशस्ति जो है वह संस्कृत में यह प्रशस्ति भाषा और नागरी लिपि में वर्णित है। इस प्रशस्ति पर जाहिर सी बात है कि मेवाड़ राजवंश की जानकारी वर्णित है, ठीक है, और गुहिल वंश की, मेवाड़ या गुहिल वंश की जानकारी इसमें जो है वह वर्णित है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल के शासन या राज्य रोहण की प्राप्ति हरित ऋषि से होना इसमें बताया गया है। बप्पा रावल के शासन की प्राप्ति हरित ऋषि से या के आशीर्वाद से होना, यह जानकारी इस पर दी गई है। बप्पा रावल जैसे कि मैंने बताया कि चित्तौड़ राजवंश का पहला और सशक्त शासक हुआ है। इसका दूसरा नाम काला भोज भी मिलता है, कहीं कहीं इसका नाम काला भोज भी मिलता है, और हरित ऋषि की गाय चराता था पहले ये, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही इसने जो है इस शासन की प्राप्ति की है। इसके अलावा इसी प्रशस्ति पर हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा भी दी गई है, अर्थात जो मेवाड़ के महाराणा हमीर है। हमीर शब्द की जब बात करेंगे तो इतिहास में आएंगे दो, एक आएंगे चौहान वंश में हमीर देव, एक आएंगे राणा हमीर, ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण माने गए हैं। हमीर देव जो है उसके लिए यहाँ पर पंच आनन, यानी जिसके पांच मुख हैं, और कब होते हैं पांच मुख, जब वह विषम परिस्थिति में हो, तो विषम परिस्थिति में घबराने की बजाय ये और भी अधिक वीरता पूर्वक जो है वो शत्रु का मुकाबला करते हैं, इसीलिए इनको जो है विषम घाटी पंचानन के संज्ञा से नवाजा गया है, कहा गया है, ऐसी जानकारी जो है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति पर जो है दी गई है। यह पांच शिलाओं
में उत्कीर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी जो है वो आपको समझ में आई होगी। एक विशेष बात जो हम यहां पर और देखेंगे कि गुहिल या गुहादित्य को मेवाड़ को बप्पा रावल का यहां पर इस प्रशस्ति में पुत्र, बप्पा रावल का पुत्र कहा है। इस प्रशस्ति में गुहिल या गुहादित्य को बप्पा रावल का पुत्र कहा है, जो कि सत्य नहीं लगता, नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी भी इसमें वर्णित है, ठीक है। ये कुंभ श्याम जो है वो मंदिर के कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि कुंभ श्याम मंदिर के पार्श्व में ये उत्कीर्ण प्रशस्ति है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो यह चैप्टर पसंद आ रहा है, और जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है मैं कोशिश यही कर रहा हूं को कि आपको सरल से सरल भाषा में जो है और ये टॉपिक जो है वह समझाने की कोशिश करूं, और साथ साथ में जो है वो आपको ये याद भी रहे। तो जो है इस प्रकार इसी टॉपिक को हम अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।